हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू राजा एडिट। गाइस, आज के स्टूडियो हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, फोटो हमारी बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है। इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था और एक भाई ने तो बहुत ही ज्यादा कमेंट किया था कि भाई इसके ऊपर वीडियो ले आओ। तो हमने भी सोचा गाइस चलो इसके ऊपर वीडियो लेकर आते हैं। तो इस वीडियो में जब बैकग्राउंड और PNG यूज है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी के, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड यार वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना बोलना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फॉर इट। सो गाइस सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपने इस वाले बैकग्राउंड को अपने पिक्सार्ट में ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको सबसे पहले इसको रिसाइज कर लेना है, ठीक। और यहाँ पे उसके बाद से आपने ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ पे एक बोट की PNG मिल जाएगी, ठीक। तो आपने इसको ऐड करना है और यहाँ पे जस्ट इसको फुल बैकग्राउंड पे करना है और गाइस ये सेट हो जाएगा, ठीक। तो आपने सिंपल से यहाँ से इसको डन कर देना है। और उसके बाद से गाइस अब आपने क्या करना है, इसको लेकर चले जाना है अपने ड्रॉ टूल में, ठीक। तो यहाँ पे हम आते हैं ड्रॉ टूल में और उसमें चले जाएंगे हम ऐड फोटो पे और यहाँ से आपने अपने कटआउट को ऐड कर लेना है। तो गाइस अगर आपने कटआउट बनाना नहीं आता है तो वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे गाइस आप जाकर देख के सीख सकते हो कि HD में कटआउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को अपने बोर्ड के ऊपर सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लेके जाते हैं ट्रांसफॉर्म पे और ट्रांसफॉर्म पे ले जाकर हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके जो हमारे पैर है उसको हम इरेज कर लेंगे। तो इसको गाइस हम अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं और ऐसा लगे, इरेज करने के बाद गाइस ऐसा लगेगा कि गाइस हमारा मॉडल जो है वो बोर्ड के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि जो हमारा मॉडल है वो ऐसा लग रहा है कि बोर्ड के अंदर ही खड़ा है, जो गाइस काफ़ी देखने में क्रिएटिव लग रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे हमें एक एम्प्टी लेयर बनानी है, ठीक। तो हम सिंपली लेयर के ऊपर जाते हैं, एम्प्टी लेयर बनाते हैं और उसको मॉडल के नीचे रख देंगे। फिर उसमें गाइस हम ऐड फोटो पर चले जाएंगे और यहाँ पे कुछ 3D इमोजी की PNG मिल जाएगी, तो आपने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अपने मॉडल के पीछे के साइड में जो खाली वाला एरिया है बोट का, वहाँ पे आपने इसको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये सही नहीं लगेगा तो हम सिंपल से इसको ट्रांसफॉर्म पे लेकर जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम छोटा करके सेट कर लेंगे। तो आपने इसको एकदम अच्छे से सेट कर लेना है, थोड़ा सा टाइम दे देना, एकदम अच्छे से ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे गाइस देखो सेट कर लिया हमने तो, बट यहाँ पे जो गाइस हमारा मॉडल का जीन्स है उसके पीछे से दिख रहा है वो, तो सिंपल से हम क्या करते हैं उस इमोजी को हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों एकदम पीछे बोट में ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और छोटा हम कर लेंगे और देन इधर से हम डन कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमने इसको इतना ही छोटा रखा है, ठीक है। तो आप इतना ही रखना और उसके बाद से आपने यहाँ से सिंपल से डन कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको डन करते हैं, डिस्कार्ड। और उसके बाद से गाइस अब आपने क्या करना है, अब जाना है ऐड फोटो पे और यहाँ पे गाइस एक वाटर के PNG मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे गाइस हम सिंपल से अपनी फाइल को देख लेते हैं, कौन सी फाइल में है, ये रही। तो हम सिंपल से इसको ऐड करेंगे और गाइस इसको ऐड करने के बाद से आप मैजिक देखना, बूम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे लहरें एकदम से आ गई है हमारे समुद्र में। और उसके बाद से गाइस अब आपने क्या करना है, ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ पे 3D सोशल मीडिया PNG मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने उनको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद से जो गाइस हमारा जो पानी का लेयर दिख रहा है आपने उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक। और यहाँ से एक डुप्लीकेट बनाना है और फिर इसको साइड में ले जा के थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपने यहीं से ऐड फोटो वाले ऑप्शन से जाना है और यहाँ पे एक और PNG मिलेगी जो हमने वाटर वाली PNG ऐड की थी, सेम उसी टाइप की। तो यहाँ पे आपने इसको ऐड कर लेना है। तो गाइस ये जो हमारे सोशल मीडिया PNG है इनको ये ढक देगा, तो ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसकी ऑपेसिटी डाउन कर देना है, तो इसको रख लेना है 85%। अब देखो ये लगेगा ऐसा कि ये गाइस हमारे पानी के अंदर है, जितने भी PNGs हैं सभी पानी के अंदर हैं, जो गाइस ये देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो,
तो सिंपल से यहाँ से इसको हम डन करते हैं। उसके बाद से गाइज हम चले जाते हैं ऐड फोटो पे, और यहाँ पे गाइज आपको एक और वाटर का पीएनजी मिलेगा, स्प्लैश वाटर, ठीक है, जो गाइज हमारी बोट के आगे वाले एरिया पे लगेगी। तो इसको लगाने के बाद से गाइज अब ऐसा फील आएगा गाइज हमारी बोट चल रही है, ठीक है। तो उसके बाद से गाइज आपने इसको ड्रॉ टूल में लेके जाना है, यहाँ से गाइज फोटो को कर लेना है सेव और लेके चलना है लाइट रूम में। तो यहाँ पे गाइज हमने अपनी फोटो को लाइट रूम में ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, कंट्रास्ट को हम माइनस कर लेते हैं माइनस के 30, हाईलाइट्स को गाइज हम इंक्रीज करेंगे 20%, शैडो को हम रख लेंगे 30, ठीक। और यहाँ पे वाइटीज को माइनस कर देते हैं हम 30 और ब्लैक्स को माइनस कर देते हैं 20। फिर गाइज जाते हैं हम कलर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे गाइज आने के बाद से आपने ये करना है, यहाँ पे आपने टेम्प को माइनस करना है, माइनस कर लेना है 5। और फिर गाइज ऊपर में आपको ग्रेडियंट वाला ऑप्शन मिलेगा, आपने उस पर जाना और इसमें थर्ड वाला सेलेक्ट करना है हाईलाइट, ठीक है। और इसको यहाँ से लेफ्ट साइड में रखना है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ, ताकि थोड़ा सा गाइज एक्वा कलर हमारे बैकग्राउंड में आ जाए। तो यहाँ पे हमने रख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइज, इसको हम टिंट को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं 10 नहीं, थोड़ा सा कम कर देना। यहाँ पे वाइब्रेंस को हम रख लेते हैं 30 के आसपास। अब यहाँ पे गाइज हम मिक्स पर जाएंगे और यहाँ पे बस हमें ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसकी सेचुरेशन को माइनस करना है, लुमिनस थोड़ा सा इंक्रीज करना है, बाकी गाइज आपका सेट हो जाएगा। देन चले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे आपने टेक्सचर को इंक्रीज कर लेना है, क्लियरिटी इंक्रीज कर लेनी है थोड़ी सी, और डीएच भी आपने थोड़ा सा रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने विग्नेट को माइनस के 20 रख लेना है। फिर चले जाना है नेक्स्ट वाले टूल पे, यहाँ पे आपने शार्पनिंग को इंक्रीज करना है, शार्पनिंग जब आप इंक्रीज करते हो तो मास्किंग जरूर से इंक्रीज करना है, और नॉइज रिडक्शन आपने इंक्रीज करना है 24। तो गाइज देखिए हमारी फोटो हो गई है फुल्ली कंप्लीट, बिफोर एंड आफ्टर भी आप देख सकते हो। तो गाइज आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।